हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल माय सेल्फ इज अतिश कुमार पांडे फ्रेंड्स तो हम लोग रीजनिंग में आज पार्ट फोर लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने आए दोस्तों तो हम लोग ने पार्ट थ्री तक पढ़ लिया था दोस्तों जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीरीज वगैरह सारा हमने देखा तो आज हम उसी टॉपिक्स में से एक और टॉपिक्स डायरेक्शन की बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन जितने आज तक पूछे जाते हैं सब लोग को एकदम अच्छे से देखेंगे दोस्तों तो बने रहिएगा हमारे साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ यहाँ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगी सो तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत बस्त तो भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर डायरेक्शन जानने की बहुत ज़रूरी है तो डायरेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर ईस्ट है वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर साउथ ईस्ट से बोलते हैं बेस्ट साउथ बेस्ट और साउथ इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं तो आई होप कि इस टाइप का आपको समझ आया होगा अब दोस्तों यद उत्तर को दक्षिण पूर्व अगर हम उत्तर को उत्तर मतलब नॉर्थ को दक्षिण पूर्व बोलते हैं तो फिर क्या होगा पश्चिम को क्या बोलेंगे तो ये भी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे इसको इधर तो ये इधर हो जाएगा ठीक है यदि पूर्व को हम पश्चिम कहें पूरब को हम पश्चिम कहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे तो दक्षिण को सीधी सी बात है हम क्या कहेंगे यहाँ पे पूरब को पश्चिम तो दक्षिण को क्या कहेंगे नॉर्थ समझ आई बात अब दोस्तों पहला टाइप देखते हैं जो कि बहुत आसान है इसमें हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ देखिएगा ग्राफ एकदम उसी तरीके से हम लोगों को बनाते हुए चले जाना है कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की पूर्व तो तो की दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद तो हमें यहाँ ऐसे बनाना है पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है दाहिने मुड़ता है दाहिना उसका इधर हो गया ठीक दाहिने मुड़ता है फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है मुड़ मुड़के कितना चला बीस यहाँ चला और दस यहाँ चला अब यहाँ पर कह रहा है फिर बाएँ मुड़ता है तो बाएँ मुड़ा तो किधर गया तीक इधर गया इधर जाने के बाद फिर क्या होगा और 20 मीटर चलता है फिर 20 चला फिर आगे बढ़ेगा फिर उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस पहुँचता है फिर वह मुड़ता है वह बीस चलता है मतलब हमने क्या किया ये आया देखो यहाँ से चला इधर आया फिर ऐसे ही मुड़ा ये 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 और आप फाइनली अपने ऑफिस पहुंच गया और आपस गया तो हमें हमने जो देखा यहाँ पे ग्राफ अब ग्राफ दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे ए निकलता है यहाँ से यहाँ पहाँ से निकला और यहाँ ऑफिस है उसकी पहुँच गया हमें पहले पूछ रहा है घर से कार्यालय किस दिशा में तो दोस्तों ये घर है ये कार्यालय आपको डायरेक्शन हम बता चुके हैं ये देखिए है, घर यहाँ है कार्यालय यहाँ है तो क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा बिल्कुल सही है अब हम बात करते हैं यहाँ पे घर से कार्यालय से घर किस दिशा में तो कार्यालय से घर इस डायरेक्शन से लेंगे तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन को लेंगे नॉर्थ वेस्ट ठीक फिर घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो दूरी पूछ रहा है तो तय की गई दूरी सारे का सम कर देंगे आ जाएगा घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है अब कार्यालय के बीच की दूरी तो आपको ये डायरेक्ट ये निकालना पड़ेगा सीधा वाला ना तो दोस्तों आपको थ्योरम तो याद है दोस्तों क्या हो जाता है द्वार थ्योरम होता है दोस्तों ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर मतलब ये यह यहाँ पे यहाँ तक ए है ए का स्क्वायर और ये दस पाँच पंद्रह और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीस तो इसको हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो बीस स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर आठ सौ क्या हो गया बीस रूट टू यदि ऑप्शन हो तो ऑप्शन है तो ऑप्शन है तो इसमें जैसे पच्चीस किलोमीटर बाईस तेईस अट्ठाईस तो इसको हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि वन की वैल्यू कितना वन अंडर रूट की वैल्यू होती है वन और एंड्रोड थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं सो so, अब बात करते हैं तेईस किलोमीटर पर आर की चाल से चलने वाला व्यक्ति ये सुबह सात बजे घर से चलना प्रारंभ करे तो नौ बजकर छत्तीस मिनट और स्वयं को किस दिशा में पाएगा तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है इतने किलोमीटर चाल से चलने वाला व्यक्ति सुबह सात बजे से चलना प्रारंभ करे तो अब यहाँ पे सात सुबह सात बजे से चलना प्रारंभ करता है तो नौ बज के छत्तीस मिनट पर अपने आप को किस दिशा में पाएगा तो यहाँ पर टी हमें दिया हुआ है टी को मैंने इसमें मिनट में बदल लिया सॉरी मिनट आवर में था तो इसको मैंने मिनट में बदल लिया मतलब टू पॉइंट सिक्स आवर में है तो दूरी को टू में क्या पता चलता है दूरी को टू चाल इन टू समय होता है मतलब कि हमारा स्पीड इंटू टाइम तो हमने इसको कर दिया मेरा इतना आया अब किलोमीटर चलने की दिशा अब कैसे होगा साउथ कैसे होगा साउथ साउथ कैसे होगा जैसे मान लीजिए आप इतना चल रहे हो तो सन के अकॉर्डिंग आप सोचिए आपको आंसर मिल जाएगा एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की दिशा में दस किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है मतलब आप देखो यहाँ से देखिए देखो यहाँ से व्यक्ति है ये दस किलोमीटर चलता है और फिर क्या करता है दाहिने मुड़ता है फिर पंद्रह चलता है फिर दाहिने मुड़ता है और फिर पच्चीस चलता है पच्चीस चलने के बाद फिर क्या करता है फिर दाहिने मुड़ता है और फिर तेईस किलोमीटर चलता है अब तेईस किलोमीटर चलता है तो अपने वो ऑफिस पहुँच जाता है मान लो यहाँ पर तो यहाँ पर वही हमारा दिया हुआ है एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की दिशा में दस किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है और पंद्रह किलोमीटर चलता है पच्चीस किलोमीटर फिर दाहिने मुड़ के तेईस किलोमीटर चलता है वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है तो यहाँ पे किस दिशा में कितनी दूर की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चल गया दक्षिण पूर्व यहाँ था यहाँ पे हो गया मतलब साउथ ईस्ट अब ए सी को स्टू की बात करें तो अब यहाँ पे वही रूल जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे हमने देखा था सेम थ्योरम लग जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर भी वही सेम हो गया ये अब हमारा क्या दिया हुआ है या इधर पच्चीस दिया हुआ है ये तेईस दिया है तो ये कितना हो जाएगा ये मेरा इसको जब निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए ये तो पंद्रह दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से दस पच्चीस में से माइनस कर देंगे अब ये कितना दिया हुआ है दोस्तों ये क्योंकि हमारी घर की दूरी ये है एक मिनट आपको फिर से बता रहे हैं आपको घर की दूरी क्या है ए सी है यहाँ पे ए सी आपसे घर की दूरी क्या है ए सी और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये पंद्रह है और ये कितना है इसमें से तेईस में से हम बीस पंद्रह माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ तो आठ का स्क्वायर प्लस पंद्रह का स्क्वायर उसका रूट निकाल लेंगे तो मेरा आ जाएगा ठीक सत्रह आ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की दिशा में आठ किलोमीटर चलता है फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मतलब कि साउथ वेस्ट में मुड़ जाता है और आठ किलोमीटर चलता है ये देखिए साउथ वेस्ट आठ किलोमीटर चला फिर यहाँ से मुड़ा आठ किलोमीटर चला अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया अब यहाँ पे ये x है और ये x प्लस एट है तो हमने x प्लस एट अब यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्व टू इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो वही मैंने किया यहाँ देखिए एट का स्क्वायर एट का स्क्वायर इक्व टू इसके बराबर तो x की वैल्यू हमारी आ गई थ्री पॉइंट टू तो पाथागोरेस्थरम होगा तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें थ्योरम बहुत जरूरी है अब क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं तो एक व्यक्ति ए अपने घर से दक्षिण दिशा में सौ मीटर चलता है दक्षिण दिशा में आपको यहाँ पे देखिए पैराग्राफ देखिए दक्षिण दिशा में वो सौ मीटर चल रहा है फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है भाई साहब वो बाएं भी मुड़ गई है और सौ मीटर चलता है ये सौ मीटर चल भी लिए सौ मीटर जब चल लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था मिस प्रिंटिंग हो गई थी तो यहाँ पे देखिए इसमें ये देखिए अब हमारा इसकी भी दूरी दी हुई है हमें फाइंड क्या करना है हमें फ़ाइंड करना है ओ एम टोटल हमें क्या फ़ाइंड करना है एम ए और एम तो पहले हमें इसकी दूरी इसकी दूरी हमें पता होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी दूरी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे ये हमें पता है ये पता है तो ये निकाल लेंगे फिर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा इसकी दूरी अब यहाँ पे देखिए ये ये फोर्टी फाइव है तो ये भी फोर्टी फाइव होगा ये नाइन्टी बन जाएगा अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्विश टू इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर भी वही पाथा थ्योरम ही लगेगा तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कुछ नहीं है यहाँ से देखिए फाइथा थ्योरम है पहले ये दूरी निकाल लेंगे ये गिवन है हमारी अब यहाँ पे 90 एंगल बनना है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा हमें यही दूरी चाहिए मेन तो हम लोग निकाल सकते हैं कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में बीस मीटर चलता है और फिर बाएँ मुड़कर बीस मीटर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर दस मीटर चलता है फिर बाएं मुड़कर दस मीटर चलता है एक बार पुनः फिर बाएँ मुड़ता है और दस मीटर चलता है अब वो अपने घर से निकलने की दिशा में किस दूरी पर है यहाँ देखिए ग्राफ बिल्कुल साफ़ है देखिए बीस चला फिर बीस चला फिर दाएने मुड़ा फिर बाएँ मुड़ा फिर दाएने मुड़ा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है फिर वहाँ पर पहुँच गया अब जब पहुँच गए दोस्तों तो बीस ये बीस ये अब यहाँ पे बीस बीस ये पता दस ये तो तीस इधर बीस इधर तो हम ये वाला दूरी निकाल लेंगे क्योंकि ये तीस है और ये बीस है दोनों करके हम निकाल रखते हैं ठीक है अब दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसमें तीसरे टाइप की कह रहा है ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित हैं कि बी सी बी सी ए से एक किलोमीटर उत्तर है अब ये चारों मान लो है तो बी सी जो है ए से कितना है यहाँ से बी एंड सी से एक किलोमीटर उत्तर बी सी से एक किलोमीटर तो मान लीजिए सी से तो हमने क्या माना सी यहाँ पर है तो बी क्या है इधर फिर D, और डी से एक किलोमीटर पूर्व तो डी से एक किलोमीटर पूर्व ठीक अब कह रहा है ई e से ई e एफ से एक किलोमीटर पश्चिम है ई e जो है एफ से एक किलोमीटर पश्चिम है और यहाँ पे और ए सी से एक किलोमीटर पश्चिम है ए सी से एक किलोमीटर पश्चिम है तो एफ से एक किलोमीटर अंतर है तीन गांव एक सीधी रेखा में है तो कौन से तीन गांव एक सीधी रेखा में डी ए एफ तो डी ए एफ ये वाले हमारे सही हो गए अब आगे कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में दस मीटर चलता है भाई साहब ये चल दिए दस मीटर, दस मीटर फिर बाएं मुड़कर दस मीटर चलता है फिर ये बाएं मुड़ के दस मीटर चल दिए फिर यदि वो अपने ऊपर एक लाइट लगी है तो लाइट उसके घर की याद कीजिए पाँच मीटर ऊंचे खम्बे के पात पुत में अब वहाँ पर जहाँ है वहाँ पाँच मीटर का खम्बा लगा हुआ है यहाँ से अब लाइट लगी है तो उसके घर की दूरी उसके घर की दूरी याद करो दोस्तों तो लाइट से उसके घर की दूरी याद करना है दोस्तों तो सबसे पहले मुझे ये पता है ये पता है तो ये निकाल लेंगे और जब ये निकाल लेंगे ये पाँच पता है तो ये वाला निकल जाएगा देखो दस ये दस ये पाइथागोरस हम लगा दिए मेरा ये आ गया अब हमें पाँच ये दिया हुआ है दस ये दिया हुआ तो हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगा देंगे ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे देखो मैंने पहले इसको निकाला फिर एच पी ओ मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैंने किया इतना आया और फाइनल मेरा आंसर आ गया तो कि इसको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा तो यहाँ पे कह रहा दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है दिशा में ले जाएगा तो कौन सा क्रम है तो यहाँ पे देखिए अब उसको बाद तीन राइट करेगा तीन बार राइट मुड़ेगा तो एक बार लेफ्ट के बराबर होगा तो अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा तीन बार राइट तीन राइट तो एक लेफ्ट तो तीन राइट एक लेफ्ट किस में है इसमें है नहीं तीन राइट एक लेफ्ट तो यहाँ पे अगर एल इक्वल्स टू अब यहाँ पे थोड़ी सी नोट्स देख लो अगर तीन एल एक आर के बराबर और तीन आर एक यल के बराबर अगर फोर एल है तो फिर वही पोजीशन पर आ जाएंगे चार बार अगर हम राइट मुड़ते हैं तो अपने पोजीशन पर आ जाएंगे किसी भी डायरेक्शन में खड़े हैं हम चार बार अपने राइट या चार बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो फिर वही पोजीशन अगर तीन बार मुड़ते हैं तो एक लेफ्ट की ज़रूरत है अगर तीन बार लेफ़्ट मुड़ते हैं तो एक राइट के बराबर है ठीक है तो ये दोस्तों हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि हम लोग सारे टाइप्स के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सारे टाइप में ध्यान रखना आई होप कि आप लोग एक काम करना आप लोग नोट्स बनाते रहना दोस्तों जो कि आपको हमेशा बार बार जैसे हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम होता है पढ़ते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं दोस्तों तो चूंकि हम लोगों को जब गवर्नमेंट जॉब करना है तो हम स्किप क्यों करें क्यों बंद करें हम उसको क्यों ना एक अच्छे से नोट्स लें कि इन फ्यूचर हमें कभी मतलब हम भी पढ़ें हमारे बच्चे भी पढ़ लें ऐसा कुछ बनाओ थोड़ा लंबा सोचो इसमें कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से आ, पूर्व की दिशा में चलकर पांच बार बाएं और सात बार दाइने तीन बार बाएं घूमता है और स्वयं को दक्षिण दिशा में पाए हुए पाता है तो भाई साहब यहाँ पे देखिए ये चल रहे हैं पश्चिम तो यहाँ से देखिए प्रारंभिक पश्चिम तो यहाँ पे जैसे फाइव एल सेवन आर थ्री एल तो मतलब फाइव एल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ एक एल बच जाएगा चार पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे टू आर बच जाएगा चार पे जीरो हो जाता है तो यहाँ पे एल अब यहाँ पे टू आर और एल तो यहाँ पे टू आर और एल का कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो प्रारंभिक दिशा क्या थी मतलब प्रारंभिक क्या तो यहाँ पे एक लेफ्ट बचता है तो दक्षिण से अगर लेफ्ट जाएगा या लेफ्ट से पश्चिम से लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा दक्षिण ही तो आएगा ऐसे ही तो आएगा लेफ्ट हो गया या राइट right हो गया समझ आया एक बार आप एक काम करना आप लोग खड़े होके पांच बार एक बार कहीं किसी भी डायरेक्शन में खड़े होके तीन बार लेफ्ट मुड़ना चार बार राइट मुड़ना आई होप कि उससे ज़्यादा बेटर भी आपको नहीं सम, मैं भी नहीं समझा पाऊँगा तो यदि अंत की दिशा ज्ञात हो तो प्रारंभ की दिशा पूछी जाए तो बीच में घूमने का क्रम दिया हो तो कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसका उल्टा अंत की दिशा में घूम जाता है और प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाती है तो इससे कोई मतलब नहीं आप लोग एक मूवमेंट करके देख लीजिएगा तभी आपको अच्छे से आएगा यहाँ पर पता है कि यहाँ पे थर्टीन आर यहाँ पर इन दोनों को पहले माइनस करेंगे तो थर्टीन आर आ जाएगा फिर थर्टीन आर मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो फोर आर आ जाएगा फोर आर इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे हमें पता है फोर पे जीरो हो जाता है तो ट्वेल्व आर अगर होगा तो जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे एक आर बच रहा है तो एक आर मतलब कि अगर हम मान लो किस दिशा में है व्यक्ति घर से चलकर बाएं मुड़ता है और दिशा में पाता है तो प्रारंभिक दिशा मान लो क्या था उत्तर था उत्तर से क्या हो गया राइट मुड़ा तो क्या हो गया यहाँ पे प्रारंभिक दिशा क्या हो गई पश्चिम एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में ट्वेल्व किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बारह किलोमीटर चलता है और फिर वो उत्तर दिशा में बारह किलोमीटर चलता है वो अपने घर से किस दिशा की दूरी में है तो देखिए यहाँ पे ग्राफ देखिए ये व्यक्ति है यहाँ से 12 चलता है फिर उसके बाद मुड़ता है फिर इधर चलता है चलते जाता है चलते जाता है फिर यहाँ पे देखते जाइए ये चीज़ें हमें मिल दिख रही हैं अब दोस्तों आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा तो आता ही होगा तो वही आप हाईट डिस्टेंस मॉडल अगर पढ़े हैं क्लास टेंथ में या क्लास टेंथ से शायद शुरू है दोस्तों नाइन्थ में भी यूपी बोर्ड शायद मिलता है थोड़ा बहुत बट uh, यहाँ पे देखिए uh, एच है मान लीजिए हमारा 12 किलोमीटर ए सी इक्वेज टू ट्वेल्व किलोमीटर ओ सी इक्विज टू हमारा 12 किलोमीटर पहले हम ऐसा ग्राफ बना लेंगे दोस्तों ग्राफ बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे साइन 45 फाइव यहाँ पहले इसमें निकालेंगे तो साइन 45 फाइव इक्विज टू अगर हम करें यहाँ से तो साइन 45 फाइव इक्विज टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये यह बारह है और ये बारह ठीक तो अब हमारा क्या हो जाएगा बारह पॉइंट बारह तो एक्स इक्स टू हमारा क्या हो बारह बाई रूट टू इंटू ट्वेल्व बाई रूट टू यहाँ देखिए एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से कर देंगे उसके बाद इसको क्या कर देंगे तो बारह नहीं है रूट है ये रूट है ये देख लीजिए क्योंकि रेशनलाइज हुआ रेशनलाइज मतलब पता है ना दोस्तों तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना हमारा रेशनलाइज कहलाता है या उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना अगर आपको रेशसनलाइज करना नहीं आता तो आप हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो में देख सकते हैं रेशनलाइज़ क्या होता है जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो अब अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं समकोल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आप क्लास नाइन में पढ़े होंगे दोस्तों तो अब अगले टाइप्स की बात करते हैं क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं तो फिर आ, इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पर समझाएंगे तो आप लोग ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे तो बेसिक अगर आपको नहीं आता पाया था गोरस्था वगैरह निकालने का दोस्तों तो आप लोग आगे कर सकते हैं देख सकते हैं वो वीडियो अब दोस्तों एक और टाइप की बात करते हैं कि तीन व्यक्ति ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना शुरू करते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति हैं ए बी सी अब ये हमें डायरेक्शन नहीं पता किसकी डायरेक्शन में चलते हैं ए और सी के द्वारा बनाए गए अनप्रस्थ पथ पर विलंबत आ, जाता है तो सी और बी दक्षिण पश्चिम दिशा में तो किस दिशा में अब यहां पे देखिए सी और बी दक्षिण पश्चिम बता दिया तो जाहिर सी बात है इधर एक दूसरे के तो ये इधर चलेगा और ये इधर तो हमारा पूछ रहा है ए बी किस डायरेक्शन में होगा तो ए बी हमारा सीधा हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया क्या हो गया ए बी हमारा नॉर्थ वेस्ट अब आगे बात करते हैं कह रहा चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में आठ किलोमीटर चलता है चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में आठ किलोमीटर चलता तथा बाएँ और मुड़कर बारह मीटर चलता है और एकदम पीछे मुड़कर दो मीटर चलता है दाहिने मुड़कर पंद्रह मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर आगे बढ़ता है और अपनी दुकान जितनी दूरी पर अब यहाँ पे देखिए ग्राफ यहाँ पे देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 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 तो जब ये वाला पॉइंट तो आपको पता है कि मतलब जो ये दूरी हुई यही ये, ये होगी ठीक अब जो ये दूरी हुई तो क्या नाम है जो ये दूरी हुई वही ये दूरी होगी और फाइनली हम लोग एंगल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों तो बहुत आसान है कोई थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है अब यहाँ पे बात करते हैं आगे क्वेश्चन की आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्या है सुमित के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है तो उनके स्कूल का फाटक किधर है उत्तर दिशा में है दो मीटर बाहर निकलकर 200 मीटर उत्तर जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत सुमित स्कूल का फाटक मान लो उत्तर दिशा में है ठीक अब मान लीजिए फाटक यहाँ है तो क्या होता है दिशा में फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर उत्तर जाता है ठीक एंड तथा अध्यापक को देख एकदम विपरीत दिशा में तीन मीटर जाता है तो दो उधर गया तो इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया ये 100 मीटर हो गया 200 ये गया उसके बाद 300 इधर आया तो 200 सौ ये चला और ये 100 इधर आ गया अब क्या कह रहा है उसके बाद वहीं वह बाएं मुड़ जाता है फिर उसके बाद क्या बाएं मुड़ा और 400 मीटर दूरी क्या तो प्रारंभिक दिशा से किधर है तो ये पायथा गोर स्थल लगा दीजिए आ जाएगा आगे बात करते हैं दोस्तों आगे अगर हम बात करें आगे बात करते हैं तो एक सुबह सात बजे धूप निकलने के बाद दो मित्र सुमित और मोहित एक खुली लान में खड़े होकर बात कर रहे थे सुमित की परछाई मोहित की बाई पड़ रही है तो मोहित का चेहरा किस दिशा में है तो यहाँ पे देखिए सुमित की परछाई मोहित की अब यहाँ पे देखिए तो बाएँ कब पड़ेगी मतलब कि जब कहीं पर जैसे मान लो नॉर्थ में हम खड़े हैं तो यहाँ पे भी देखिए जैसे साइडों क्या है था? अगर सुमित के राइट है और लेफ्ट में तो अब यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में खड़ा होगा मोहित और इस डायरेक्शन में मालूम सुमित खड़ा है ठीक तो इसकी परछाई इसके लेफ्ट में राइट में तो क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो सन इधर से पड़ेगा तो इधर राइट में पड़ेगा तो राइट में पड़ेगा कब पड़ेगा जब ये सामने और साउथ के मतलब उत्तर की तरफ डायरेक्शन मुकर के खड़ा रहेगा तो सर दोस्तों ये ज़्यादातर तो आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आएंगे आप प्रैक्टिकली या किसी अपने स्टूडेंट या मतलब साथ में अपने भाई के साथ या कुछ के साथ मतलब धूप में रह के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको तो आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों तो प्रैक्टिकली करना, करना मत प्रैक्टिकल करना मत भूलिएगा तो कह रहा एक शाम सूर्यास्त से पहले मित्र पंकज और राहुल एक खुली लॉन में खड़े होकर बात कर रहे थे अब यहाँ पर वहाँ सूर्य सूर्यास्त था और यहाँ पे तो यहाँ पे लेफ्ट जो जब लेफ्ट बनेगा तो ये नॉर्थ मैंने क्या कर दिया डायरेक्शन ही बदल दिया ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि जब सन साउथ में सॉरी ईस्ट में था तो बेस्ट तो बे, आ, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा दोस्तों इसमें देखते हैं एक वर्गाकार मैदान ए बी सी डी इस प्रकार स्थित है कि भुजा नब्बे मीटर की विकर्ण ए सी नॉर्थ एंड टू साउथ स्थित है अब बी डी के पश्चिम में मित्र रोहन राहुल बिंद बी और सी से चलना प्रारंभ करते हैं मोहन की चाल आठ किलोमीटर है और डायरेक्शन और राहुल की क्लॉक एरिया डायरेक्शन में चलता है तो दोनों एक दूसरे को दूसरी बार कहाँ मिलेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे से हमारा क्या होगा ऐसे चलता चला जाएगा यहाँ पे हमने सॉल्व किया इस है इस पर देखिएगा आप जैसे दूरी बटा चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय मान लो कहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग कह रहा कि एक पुजाकार ए बी सी डी इस प्रकार है कि जिसकी भुजा नब्बे मीटर है सबकी मान लो नब्बे नब्बे मीटर हो गई नब्बे मीटर एक लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक लोग यहाँ से तो वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर पढ़ने से जैसा हमारा ये बना हुआ है ऐसे आपको समझ आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे दूरी बी ए सी डी अगर मान लो बी ए सी डी की निकालनी है बी ए सी डी तो बी ए सी डी निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे बी ए सी डी तो अब यहाँ पे बी ए सी डी में 270 किलोमीटर है क्योंकि इसका पेरीमीटर दोनों का सापेक्ष चाल सापेक्ष चाल कितना है इतना है समय कुछ टू पता है क्या होता है रोहन की चाल 8 किलोमीटर पर आध घंटा तो इसको क्या क्या मीटर नंबर सेकेंड में बदला क्योंकि किलोमीटर में तो है नहीं अब इसमें फिर पहले क्रॉनिंग एडी कार तीस दूरी पर हो अगर मान लो एक सिचुएशन दे देता है तो क्रॉसिंग के लिए डिस्टेंस तीन सौ साठ बटे पाँच तो फाइनल मेरा आ जाएगा बहत्तर सेकेंड तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों हमने डायरेक्शन में सीखा तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम लोग ठाने हैं पूरा रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए दोस्तों तो बिल्कुल ठानेंगे कोई भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे कोई भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे Uh, मतलब uh, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो भी होगा हम लोग पूरा पूरा करेंगे कहीं मत जाइएगा पेशेंस के साथ बने रहिएगा हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय